ये ख्वाहिश थी कि मैं ये जिंदगी में अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये चीज करूंगा, वो है स्काई डाइविंग। और हम लोगों ने किसी ने घर नहीं बताया, रिफंड कर दें। पैसे रिफंड नहीं होंगे, क्या डर लग रहा है? नहीं, साइन वगैरह करने जा रहे हैं, कुछ हो गया, हम जिम्मेदार नहीं है। आईडिया हुए। ओह माय गॉड। थोड़ा थोड़ा बंदा खा ले, बस आधा आधा रहा। नोजिया से ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। We are doing this today, right? Gonna have so much fun here. Yeah, big smile in the sky. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग, जो कि बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। एक्साइटिंग व्लॉग इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं ये जिंदगी में अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये चीज करूंगा, वो है स्काई डाइविंग। आज हम लोग जा रहे हैं स्काई डाइविंग करने, क्योंकि साथ ने मुझे बताया कि वो इंटरेस्टेड है इस चीज में, मैंने उससे डिस्कस किया था, तो मैंने उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। मैंने प्लान बनाया तो इकरा और रूप ने कहा कि हम दोनों भी करेंगे। आज वो दिन हम लोग जाएंगे, पता चले वहां पहुंच के कि हम कहेंगे जी नहीं हो रहा, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई से हम छलांग मारेंगे नीचे आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते। ऑब्वियसली डर तो लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन सोचा हुआ था, मेरी विश थी कि मैं जिंदगी में एक बार ही करूंगा। पता नहीं फिर कभी मौका मिलता है कि नहीं मिलता, तो आज हम लाजमी जाएंगे। साथ रूप और इकरा मेरा नीचे लॉबी में वेट कर रहे हैं, बस कपड़े वगैरह पहन रहा था, मैं जूते पहनूंगा, मैं नीचे जाऊंगा उनके पास। ये जिंदगी का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला मुझे लगता है। इंशाल्लाह 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 अच्छे सही सलामत सब वापस आएंगे और एंजॉय करेंगे। और हम लोगों ने किसी ने घर नहीं बताया, सबसे बड़ी बात है किसी ने घर नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली घर बताते तो सबने मना कर देना था, मेरे घर वालों ने भी, इकरा के घर वालों ने भी, साथ के भी, रूप के घर वालों ने भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम करके फिर बताएंगे लोगों को कि हाँ हम ये करके आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना मजा आता है चलते जाए हमारे साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होगा इसके अंदर। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम कमरे से निकल गए हैं, इनसे मिलिए, ये मेरे पार्टनर होंगी और वो दो पार्टनर जा रहे हैं, टैक्सी रोक रहे हैं। पता नहीं आज क्या होने वाला है यार। यू आर प्रो पंजाबी मैन एंड यू कैन डू दिस इंशाल्लाह। तीन बशिंदे मेरे साथ हैं। पता नहीं वहाँ जाके हम क्या करते हैं। एंड पे मैं जा रहा हूँ, सबसे एंड पे ना करें। अच्छा, वैसे मैंने करना नहीं था, साथ ने मुझे कहा मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं मैं आखिर पे जा, तो हम दोनों ने किया, चले जाएंगे। हाँ, हम दोनों ने किया, तो इन दोनों ने कहा हम दोनों भी कर लेते हैं। फजर पढ़ ली है बस, फजर पढ़ ली, हम ऊपर जाए सीधा अभी तो। वाह 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 वाह, हमने कुछ खाया भी नहीं, रोजा भी रखना। कंफर्म जन्नत ही हो जाना आज। हमने हमने 9:45 पे वहाँ पे पहुँचना था, बेसिकली हमने घंटा पहले पहुँचना था, और अभी इस वक्त 8:39 हो गया हुआ है। और अगर हम टाइम से ना पहुंचे क्या पता वो मिकर नहीं ना दें, रिफंड कर दें। पैसे रिफंड नहीं होंगे, नॉट रिफंडेबल, नॉट रिफंडेबल। हाँ जी, और सीधा ये पैसे भी जाए और हम कुछ किए बगैर वापस आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब अच्छी एनर्जीज दो यार, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम से, कोशिश तो है। स्काई ड्राइव दुबई पहुंच गए हैं, ये देखें, अब बहुत डर लग रहा है, लिटरली बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होता है, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। वैसे डिसीजन एवी ले लिया था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यार वंस इन अ लाइफ टाइम है, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। एक ख्वाहिश थी बहुत बड़ी, टीवी में देखा है, आज खुद एक्सपीरियंस करूंगा, फिर बताऊंगा, शेयर करूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। गर्मी बहुत है यहाँ पे, लेकिन शुक्र है धूप नहीं है इस टाइम। हवा नो का हमारा टाइम था, हम 9:45 समझते रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें टाइम एक्सटेंड कर दें, अब देखो क्या होता है। बस इसका व्यू देखें यहाँ पे कितना प्यारा है, ये साथ साथ पाम है, मे बी पाम के ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ से सारा नजर आएगा इनका समुंदर। इकरा का एक्सपीरियंस पूछते, क्या डर लग रहा है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल, मेरा दिल इस टाइम 500 की स्पीड से भाग रहा है। डर लग रहा होता मेरे से ब्लॉगिंग ही ना हो रही होती, डर क्या की है? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग तो हो रही थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे पता है काफी नर्वस है, मेरा दिल 500 की स्पीड से भाग रहा है इस टाइम। 500 की स्पीड गाड़ी है क्या? बस इस टाइम गाड़ी बना हुआ, लेकिन डर लग रहा है। कितना प्यारा, वहाँ दिखाया मैंने सब, कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लोगों को देख के थोड़ा सा हौसला तो मिला, सब कर रहे हैं। ये बाइक ग्राउंड है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से लेके जाएंगे, जैकेट वगैरह पहनाएंगे, देखते कैसे हैं। यहाँ पे आप चेक इन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पासपोर्ट वगैरह ले लिए उन्होंने, तो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये सब आए हैं। इनसे हमने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था, कह रहे थे ब्रो सो स्केरी, तो अगर ये लोग डर रहे हैं तो हमारा क्या हाल होगा, अभी जाके देखते क्या करना है। इससे साइन वगैरह करने जा रहे हैं कि कुछ हो गया, हम जिम्मेदार नहीं है, 3-4 पैराशूट होंगे, लेकिन फिर भी इन केस। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर हम साइन करेंगे और इसके ऊपर सारी डिटेल देंगे, ताकि हम वो लोग जिम्मेदार ना हो। पूछ रहे हैं अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बिहाफ पे कौन क्लेम करेगा हमारी इंश्योरेंस, वो क्लेम कर सकता है जिसका भी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। लो भाई सब कुछ कर दिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का आ गया, कंसेंट आ गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
एग्री कर दिया हमने। Now it's Areeb's turn. यहाँ पे अरीब तो बिल्कुल ही स्काई मी के लोगो वाले कपड़े पहन के आए हैं। अब नहीं, अब मैं ओके हूँ, अब मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, आप उनके लोगो वाले कपड़े पहन के आए हुए हो। कतर के कपड़े पहने। यस, ताकि आपको सेव कर सके। आपका वेट नहीं होना, आप किस खुशी में नीचे उसके ऊपर नहीं खड़े हुए? अभी वो बुलाएंगे तो Oh my god. I was underweight. No, you are over. Am I underweight? No. I wish you said I was underweight. ये दिल लग रही है सबका भी। ये देखें, इकरा का बैंड लग गया और मेरा भी लग गया। ठीक है, और उन्होंने हमें ये रिंग दे दी है कि हमें जब बस करेगी तो हमने जाना, हमारी ट्रेनिंग होगी और कोई डेढ़ दो घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा सिर्फ ट्रेनिंग में? ये सारा एक्टिविटी में। ओके, प्रोसेस में। हाँ, अब हम जा रहे हैं इनके कैफे, इन्होंने कैफे बनाया है, यहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं। हल्का खाना उल्टा हो जाए। नहीं नहीं, हल्का ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम खाना। ये हमारा व्यू है, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग होंगे और यहाँ पे हम लैंड करेंगे। पहले हम लोग शुक्र अदा करते थे कि धूप नहीं, और अब धूप ही निकल आई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसका व्यू देखें, ये साथ में पाम है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। गाइस, मैं ना ऐवे खाम खाम परेशान होती, मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, परेशान हो जाएंगी मेरी बहनों। एक बहन हंस रही है, कहती जाओ जाओ ओके, एक पूछिए इंश्योरेंस कराई मिलेगी कितनी, बस इतना बता दो ताकि हम क्लेम कर लें। यार मैं बड़ी इमोशनल हुई भी थी कि यार मैंने कहा बाय बाय, अपनी आखिरी पिक्चर भी, अल्लाह भी नहीं, पिक्चर भी अपनी मैंने भेज दी, सारा कुछ भेज दिया, मैंने कहा यार क्लेम आगे से करें, इंश्योरेंस कितनी यार, अभी भी तुम लोगों को पैसा चाहिए। खाना शाना आ गया था हमारा, तो ये हल्का फुल्का खाना खाएंगे, वैसे खाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बंदा खा ले, आधा रैप भी नहीं ना किया। डन डन, नोजिया से ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है अगर पेट खाली हुआ। आधे आधे दूर है। तो गाइस, हमारी बारी आ गई है, रिंग होने लग गया है और अब सब एक्टिव हो गए। अब हम जा रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह होगी, अब देखते हैं अब क्या होता है। वो देखिए, वो चारों वहाँ पे काउंटर पे पहुँच गए और मैं आ रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे लोकल वगैरह चीजें वगैरह रख रहे हैं, सबने चीजें वगैरह रख दी हैं। उन्होंने हमारी सारी अंगूठियाँ वगैरह, चेन वगैरह सब कुछ उतरवा लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा फॉर द सेफ्टी पर्पज। अब हम जाएंगे, मोबाइल हम यहाँ पे रखने लगे हैं। ठीक है, इधर से आगे वो वीडियो वो लोग बनाएंगे हमारी और वो हमें देंगे। फॉर द बेस्ट, चलो सब कुछ हो गया है, बच्चे से जाएंगे अब वो वीडियो देंगे। ठीक है, डरना नहीं है, एंजॉय करना है, एक्साइटेड। Hello Mohammed, how are you today? I'm good, what about you? I'm fine bro, thanks. Welcome to Skydive Dubai. Thank you so much, I'm so excited. Amazing. You excited? Yes, I am. Any special reason for this? This is my passion, this was my dream to do this. So we are doing this today, right? Yeah. So no questions? No questions, I'm so excited, gonna have so much fun here. Yeah, big smile soon the sky. Pull it down. Oh, yeah.
pull the leg one little bit. Yeah. Gonna land. Yes, I do. Go that way. Woo! You got this. I got this. Woo! Itna dar lag raha tha. Bilkul aisa hi tha. It was amazing. Bahut mazay ki cheez hai. Bahut. Wow! 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 Stand up, bro. How was it? This was the best day of my life. Woo! Woo! Oh, best feeling. Thanks for choosing Skydive Dubai, my friend. No, amazing. Best Skydive Dubai. Woo! Ya Allah, this was the best day of my life. इतना मजा मुझे डर लग रहा था। उन्होंने सबसे पहले मुझे नीचे फेंका है, सबसे पहले मैंने स्काई डाइव किया है और ये सब लोग देख रहे थे। इतना मजा आया, इतना डर लग रहा था। 5 सेकंड के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो, आप इतना एंजॉय करते हो, यू विल लाइक यू आर फ्लाइंग। जिंदगी में एक बार जरूर ट्राई करें, वर्थ इट है, बहुत मजे की चीज है। लगता है कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 5 सेकंड के बाद आप ऐसा लग रहा था जैसे आप उड़ रहे हैं। इतना मजे की चीज है, लेकिन बहुत मजे की चीज थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा ही नहीं था। कैसा लगा, कैसा है मजा? बहुत मजे की चीज थी यार, अमेजिंग। नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना एंजॉय कर रहा था, मैं एंजॉय किया इसको पूरा। मैं वही कह रही हूँ कि लोगों को लग रहा था हम डर क्यों नहीं रहे, मैं डर क्यों नहीं रही यार। बहुत मजे की चीज थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऊपर से जब आप देख रहे थे ना, मैं उसको कहती यार रुक जा प्लीज ना, अंग्रेज था नहीं समझ पाए हमारी भाषा, लेकिन बड़ी मजे की। कैसा एक्सपीरियंस था? ओए होए होए मजा आ गया भाई। वाह, रास्ते में बीच रास्ते में थोड़ी बहुत मुझे वो एक हो रहा था कि अच्छा शायद आई माइट थ्रो अप, लेकिन वर्थ इट था ना यार, बहुत था यार, वर्थ इट भाई। बहुत दुबई ऊपर से था, बहुत यार हम लोग होटल पहुंच गए थे, बहुत मजा आया। मैंने बैक टू बैक वीडियोस बनाई आप लोगों के लिए, मैं ये बेसिकली एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ये मेरी ड्रीम थी और जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। पहले नहीं सोचा हुआ था कि मैं जिंदगी में एक बार ये चीज करूंगा। लोग कहते हैं अपनी जिंदगी में एक बार ये चीज जरूर करेंगे, मतलब कोई हैपनिंग चीज होती है। रील साहब ने ड्रीम किया था मैं जिंदगी में एक बार जरूर कूदूंगा, इससे हैपनिंग चीज कोई नहीं हो सकती। जरूर ट्राई करें, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, बहुत मजा आता है, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, आप अलग दुनिया में होते हैं, आपका व्यू बहुत अच्छा होता है। लोगों को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।